हेलो माय बच्चा लोग हेलो माय लवली लिटिल एटम्स तो कैसे हो सब लोग आई होप आप सब लोग बढ़िया है हेल्थ वेल्थ सब बढ़िया है जोश एनर्जी में कोई कमी नहीं है आपकी एजी मैम नाइन्थ क्लास वालों आपके लिए आ गई है आपकी अनुभा मैम और आज कर रहे हैं आपकी स्पेशल उमंग सीरीज़ का सेकेंड सेशन बोले तो एकेडमिक वाला जो पार्ट है उसका सेकेंड सेशन मैटर इन आर सराउंडिंग केमिस्ट्री मास्टर टीचर यू नो मैटर इन आर सराउंडिंग का दूसरा सेशन जिसमें जो मैटर के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा एक स्टेप आगे लेंगे और क्या बताएंगे आज कि मैटर की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और राइट कैन यू ऑल सी मी कैन यू ऑल हियर वट आई एम टॉकिंग आई कैन सी माई सेल्फ ओके मैं अपने आप को ए, साथ में एक और लैपटॉप खोला हुआ है उसमें आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ ठीक है नमस्कारम, नमस्कारम, शुभम नमस्ते सत श्रिया आदाब ओला टेंथ वाले भी आ गए हैं अरे वाह मार्क योर अटेंडेंस देन बाय हिटिंग द लाइक बटन मैम ए जी मैम के नाम पे <laughs> मिस्ड यू मैम कहाँ जाएगी आप लोगों को छोड़ के यही है हाय अर्शिता हाय आरती इकू हरी अर्शिता अनोखी जी अनोखी हाउ कम दिस इज सो नॉट फेयर यू आर इन जस्ट लाइक यू आर इन सिक्स क्लास अनोखी ग्रेट मैम यू आर गोट ये गोट क्या है तुमने मैम को बकरी बना दिया मैम तो बकरी नहीं है वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग तो बताओ अपनी एक्साइटमेंट चैट में अपने फेवरेट इमोजी के थ्रू दिखाओ कैसा लग रहा है आज कि नाइन्थ वालों के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत हो रही है इस बार हमेशा कंप्लेन करते थे मैम नाइन्थ वालों के लिए कब शुरू करोगे हमेशा सबसे लेट शुरू करते हो इस बार सबसे पहले नाइन्थ की पढ़ाई सी बी एस ई की शुरू हो गई है गोल्डन हार्ट फायर इमोजी हाई फाई वाला इमोजी थम्सअप वाला इमोजी सब हो जाए लाइफ इज मैजिक हाँ गो इट मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ब्लश भी कर ले थोड़ा मैम थैंक यू चलो रेडी हो शुरू करने के लिए बहुत बहुत मज़ेदार बहुत औसम तो सेशन ज्वाइन कर लो आपको एक छोटा सा काम करना है आज की इसी वीडियो में जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे आपको इस सेशन को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा वेदांतों के खुद के प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे समझ आएगा मजा आएगा इंटरक्टिव होने वाला है बहुत क्योंकि सारे क्विजिस में लाइव पार्टिसिपेशन कर पाओगे और अपना नाम बोर्ड में देख पाओगे रियल टाइम आपका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा गलती से ये सेशन मिस भी कर दिया तो जब भी ज्वाइन करेंगे क्विजिस को लाइव अटेंड कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मैं दिखा दूँ दिखा देती हूँ आप भी क्या याद रखोगे फिर शुरू करते हैं ये आज का वीडियो ये रहा स्टेट ऑफ मैटर्स का वीडियो ये रहा स्टेट ऑफ मैटर उ तो यहाँ पे यहाँ पे देखो क्लिक हेयर टू जॉइन द सेशन सबसे पहला चाहे आप फ़ोन में ओपन कर रहे हैं चाहे आप लैपटॉप से ओपन कर रहे हैं डेस्कटॉप से आपकी मर्जी है वो तो ठीक है गेट एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम योर अनुभव मैम टीम ऑल्सो अरे आइला देख के कितना अच्छा लग रहा है <laughs> तो अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो किसी भी कोर्सेज को लेके आप यहाँ पे मैम की टीम के साथ यू नो यू गाइज कैन गेट इन टच पर यहाँ से सेशन ज्वाइन करना है जल्दी से कर लो ठीक है और ये क्या है सेवेंटी फाइव बच्चे बाकी के क्या कर रहे हैं हाँ कहाँ गया चार लेने <laughs> जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुलाओ और सेशन में आ जाओ ठीक है हाँ जी चलो सेशन में वापस चलते हैं मैम इज़ बैक इन द सेशन और वीडियो के आखिर तक हमें 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करना है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें पार्टिसिपेशन चाहिए आप लोगों का मुझे दिख रहा है 35 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं जल्दी से ज्वाइन कर लो ठीक है बहुत आसान है अभी आप देखोगे कि कैसे हम क्विज शुरू करेंगे इस तरीके से आपको दिखेगी ऑप्शन आपको क्लिक करना है इस तरीके से आप फास्टेस्ट फिंगर्स लिस्ट में आप अपना नाम देख पाओगे और ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस भी शेयर की जाएगी और इंटर रीप्ले आई लव दिस इज़ द बेस्ट फीचर आई लव दिस फीचर आई होप मैं आप लोगों के टाइम पे होती कि सेशन मिस हो गया कोई बात नहीं जब रीप्ले देखोगे दोबारा देखोगे तो भी सारे क्विज़ में पार्टिसिपेट कर पाओगे आप टेंथ में हैं बिकॉज ऑफ यू हैज कोड वेरी वेल इन केमिस्ट्री श्रेया ऑसम सो हैप्पी टू नो दैट बहुत अच्छा लगा सुन के तो जल्दी से ज्वाइन कर लो लेट स्टार्ट विद अ पॉजिटिव कोट मैम की तरफ से थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स और वो क्या है द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टमोरो इज डूइंग योर बेस्ट टूडे आपको अगर अपने कल को बेहतर बनाना है तो कल को बेहतर बनाने के लिए कल कुछ नहीं करना आज करना है क्योंकि हर दिन एक नया दिन है आज काम करोगे तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा हाँ कि नहीं बताओ जरा हाँ कि नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थर्ड सेशन आने वाला है प्रीति आ गया होगा एक बार देखो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था <coughs> अरे मेंटी वेंटी नहीं होता अब वीकविज होता है हम्म <laughs> जी जी तो इसके लिए बोलो हाँ कि कल की कल पे छोड़ेंगे नहीं होता कल के लिए आज काम करेंगे तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा अच्छा कोट है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल और ए जी मैम को फॉलो किया कि नहीं ए बताओ काश हाथ में इधर एक बैट होता है ना <laughs> वो बेसबॉल वाला ए जी मैम को फॉलो किया कि नहीं <laughs> ऐसा कुछ नहीं है इफ़ आर ऑन इंस्टा यू कैन फॉलो मी यूल गेट ऑल दी अपडेट्स ओवर देयर अनुभा अंडर स्कोर ए जी अंडर स्कोर ठीक है ए जी मैम का इंस्टा हैंडल और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है कर ही दो एडी मैम आपको अच्छी लगती है ना <laughs> दोस्तों के साथ शेयर करना है भला कर दो कि यार नाइन्थ क्लास की पढ़ाई करनी है वेदांतों है ना अनुभा मैम की क्लासेस है ना ये ले कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नए नए नाइन्थ क्लास में आए नए नए इस चैनल पे आए हैं तो और कमेंट करके ज़रूर बताना आखिर में कि वीडियो कैसा लगा स्टार्ट कर रही करी मैं ओके okay? नाइन नाइन्टी फाइव मार्क्स आए हार्दिक दैट्स ग्रेट ऑसम थैंक यू स्नेहा है ना <laughs> जी इवनिंग जी इवनिंग तो चलो शुरू करेंगे आज के सेशन में और ये पूरा फ्लो होगा आपको पता है ऑलमोस्ट वन आवर की क्लास होगी और हम रिक क्विज के साथ शुरू करेंगे कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था और बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ कि आज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाने वाले उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस फिर दो और स्टेट होती है प्लाज्मा एंड बी और आपको कितना समझ आया मैं क्लोजअप क्विज के थ्रू आपको Uh, मौका दूंगी और खुद भी समझूंगी कि कितना समझ में आया तो रेडी हो श्रेया बहुत जल्दी बहुत जल्दी रेडी हो हाईफाई के साथ शुरुआत करें क्लास में है 88 89 बच्चे और यहाँ पे है फिफ्टी बच्चे एंड एम लाइक कहाँ है सब कहाँ है सब लेट्स रॉकेट तो जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि क्विज टाइम इज कमिंग लेट्स चेक व्हाट डिड यू डू इन द लास्ट क्लास कितना रिवाइज करके आए हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो इसी वीडियो का सबसे पहला लिंक है जॉइन वेदांतु सेशन इंटरक्टिव सेशन नाउ मैं शुरू करने वाली हूँ बट मैं चाहती हूँ कम से कम जितने क्लास में बच्चे हैं उतने तो आ जाएं हाय आदर्श हाँ क्या मोड दे दो <laughs> एक इतना अगर टेकी अगर आप रोज पढ़ाई कर रहे हो ना दो ढाई घंटे रोज पढ़ाई कर रहे हो काफी है ऑसम huh? ऑसम <laughs> awesome. 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो फिर शुरू करते हैं क्विज के साथ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कैन टेक्स प्लेस डिफ्यूजन याद है ना इंटर ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इंटरमिक्स होके वो डिफ्यूजन कर लेते हैं एग्जांपल अगर मैं डे टू डे लाइफ का दूं लेमनेट बना रहे हो आप शुगर सॉल्ट पानी आपस में इंटरमिक्स नहीं करते तो लैमनेट कभी नहीं बनता तो क्या डिफ्यूजन लिक्विड में होता है गैस में होता है नन या बोथ ठीक है तो मैं यहाँ पे वीक में शुरू करूंगी फिर से वार्निंग दे रही हूँ 57 बच्चे हैं आप सब अपना नाम लीडर बोर्ड में देख पाएंगे अच्छा कर पाएंगे वेदांतों के क्विज ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो ऑल राइट स्टार्टिंग इन थ्री टू वन नाउ हाय निर्मली डी इज द करेक्ट आंसर अभी पता चल जाएगा अभी पता चल जाएगा एंड कितने बच्चों ने आंसर दे दिया नाइन्टी थ्री परसेंट क्लास के बच्चों ने आंसर दिया बाकी के लोग हहीं हाँ, कहाँ हैं <laughs> अरे वाह जो इस लिस्ट में आके गलत आंसर देता है उसको हम बोलते हैं क्लास द्रोही प्रसन्ना <laughs> वन ज़ीरो में से ज़ीरो मिला इस बार अनुष्का पूर्ति कमल कृष करिश, करिश्मा पुष्पा सार्थक आरुषी नमन एंड सलोनी एक सेकेंड से भी पहले आपने आंसर दे दिया ये तो बहुत फास्ट था सेवेंटी एट परसेंट इज़ नॉट बैड एट्टी परसेंट क्रॉस करते ही मैं आपको स्पेशल रिवॉर्ड भी दूंगी सबको आंसर इज बोथ लिक्विड और गैस दोनों में होता है गैस का एग्जाम्पल देखो ज़रा एयर क्या है मिक्सचर ऑफ गैस ही तो है आपस में सारी डिफ्यूज़ है इंटरमिक्स है नाइट्रोजन ऑक्सीजन सी ओ टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिक्विड देखो लिक्विड भी डिफ्यूजन शो करते हैं पानी में थोड़ा सा पानी में कोई दूसरा लिक्विड मिलाने की कोशिश करो सपोज मैंने मिल्क मिला दिया मिल्क इन वाटर मिक्स हो गया डिफ्यूजन लिक्विड गैस दोनों में होता है बोथ इज द राइट आंसर ठीक है हाउ टू ज्वाइन दीज क्वेज अगैन नॉर्मली अगेन अर्शिता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मैं आपको दिखा देती हूँ वन लास्ट टाइम ये आज का जो वीडियो चल रहा है ना मैटर इन आर सराउंडिंग का इसके जस्ट नीचे देखो ये जो uh, वेदांतों नाइट एंड जहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ज्वाइन द सेशन यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा ठीक है आप समझ में आ गया हाँ जी ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ मैं ठीक है अगला क्वेश्चन आएगा अभी आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आया ये द इंटायर यूनिवर्स इज कंसिस्ट ऑफ सच अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपका पूरा संसार पूरी दुनिया है वो किससे बना है मास मैटर एनर्जी मैटर एंड एनर्जी बोथ बहुत अच्छा क्वेश्चन है वेरी गुड क्वेश्चन प्रीति क्या हुआ सबकी डिमांड पूरी कर रहे हो <laughs> आपकी क्या डिमांड है जो मैं पूरी कर सकती हूं मेरे बस में है थ्री टू वन गो एटम्स गो एटम्स देख रहे हो रिस्पॉन्स गगन ने बी आंसर दिया सिद्धांत ए रौनक डी अरे इतनी कंफ्यूजन भूल गए ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग भूल गए चलो मैं देख के बताती हूँ सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के चांसेस लग रहे हैं फिर से आने के और यहाँ वो तो छोड़ो फास्टेस्ट फिंगर्स लिस्ट में भी होने लगा है सोशल डिस्टेंसिंग सिद्धांत अनुष्का पूर्ति करिश्मा सार्थक सोहेल आरुषि वेरी गुड रिस्पॉन्स भूमि डोरा पुष्पा तीन क्लास द्रोही मिले इस बार हमें तीन क्लास द्रोही डी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही मनी बिल्कुल सही डी इज द राइट आंसर मैटर तो है एनर्जी को कैसे भूल गए हमारे संसार में मैटर और एनर्जी इंटर है मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है वर्सा सनलाइट इज़ अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हाँ कि नहीं मैटर और एनर्जी दोनों हैं एनर्जी को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना एनर्जी इज़ लाइक डोंट अंडर एस्टिमेट मी मुझे भूल गए तो यूनिवर्स भी नहीं होगा ठीक है यूनिवर्स भी नहीं होगा ओके <laughs> okay? तो लीडरबोर्ड आएगा अभी क्योंकि मुझे एट्टी परसेंट से अब देखना था अभी तक नहीं आया लास्ट क्लास का एक और क्विज लेते हैं फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ए पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर डी ऑल ऑफ दीज यो नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान जी वेरी वॉम वेलकम लास्ट क्लास में पढ़ाया था आई होप आप लोगों ने लास्ट क्लास देखी होगी नहीं देखी प्लीज देख लो बिल्कुल मिस नहीं करनी है बहुत ईजी सवाल है गिव मी योर आंसर इन थ्री टू वन को बच्चों हमें क्या करना है हमें गो ग्रीन करना है हमारी जो लिस्ट आएगी अभी फास्टेस्ट फिंगर्स लिस्ट वो मुझे एकदम ग्रीन चाहिए एकदम ग्रीन ग्रीन इज अ गुड कॉम्पिटिशन है जल्दी बताओ कम ऑन कम ऑन एवरी वन एंड सी मैम ने बोला आपने करके दिखाया भले भले शावा शावा अभी तो ढोल हो जाए थोड़ा प्रसन्ना आर्यन नमन पूर्ति अनुष्का पुष्पा करिश्मा श्री श्रेयांशी श्रुति बहुत awesome! सम 91% 91% इज लाइक ओके मैम समझ आया ठीक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस भी होता है मूव भी करते हैं अट्रैक्ट भी होते हैं ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है तो इसी बात पे सम ढोल बीट्स क्योंकि आपने दिया एकदम बढ़िया जवाब सो दैट वाज गुड दैट वाज गुड एवरीवन तो 90 परसेंट से अब मिला अभी हम क्या कर सकते हैं अभी हम लीडरबोर्ड में देख सकते हैं किसका नाम लीडरबोर्ड में सबसे ऊपर है तो पूर्ति के लिए तालियां वी हैव अनुष्का नमन करिश्मा सुधांत आरुषि मनोजना कमल सलोनी सोहेल, अभिनव सार्थक पुष्पा अनोखिया निकिता और मोस्ट ऑफ यू गॉट ऑल द थ्री स्टार मतलब सारे तीनों आंसर आपने एकदम सही दिए हैं एंड तालियों के हकदार हैं तालियां मिलती रहनी चाहिए यस yes, तालियां मिलती रहने चाहिए बहुत सही बहुत सही है फ्रीमान ठीक है निष्ठा लीडर बोर्ड में नाम नहीं भी आया कोई बात नहीं दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉट कि आप कितना स्पीड से आंसर कर रहे हैं स्पीड प्लस एक्यूरेसी आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है आप कितना करेक्ट आंसर दे रहे हैं धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा इस पर तो इंटरनेट पर काम करो ठीक है तो आज के सवाल हम रखते हैं ये इंटरनेट आज का सवाल हमारा ये है कि ये जो मैटर मैंने कल पढ़ाया जिसकी प्रॉपर्टी बताई कल या मतलब जो भी क्लास में इसकी अगर मैं बात करूं क्या सिर्फ एक ही फॉर्म होती है मैटर की या अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है और आप सब मुझे इसका आंसर दोगे एक ही फॉर्म होती है हाँ कि नहीं नहीं ना तीन बहुत ही कॉमन फॉर्म है जिसका नाम आप सबको पता है कौन कौन सी एक तो होती है सॉलिड मैम की तरह एकदम सॉलिड हल्क स्टाइल में वैसे इंसान तो कॉम्बिनेशन है ठीक है सॉलिड लिक्विड गैस सबका लिक्विड पानी जो मैम को बहुत पसंद है पानी के बिना तो मेरी एक क्लास भी ना निकले और तीसरी कौन सी फॉर्म है एवरी वन बताओ हाँ जी तीसरी है गैस गैस तो हर जगह है हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं गैस की वजह से ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड ऑल सबसे पहले शुरुआत करें सॉलिड के बारे में और भी दो हैं बट बेचारों को थोड़ी कम वैल्यू मिलती है बट इंपॉर्टेंट वो भी है प्लाज्मा एंड बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तो सबसे पहले शुरू के तीन स्टेट स्टेट पढ़ लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुरुआत करेंगे सॉलिड के बारे में पढ़ने से सॉलिड के बारे में देखो सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है फिक्स वॉल्यूम लेट्स टॉक अबाउट दिस ये ए का रिमोट है ठीक है ये सॉलिड है है ना मैं इसको सॉलिड बोल सकती हूँ मैं इसको सॉलिड क्यों बोल सकती हूँ इसकी एक फ़िक्स शेप है ऐसा तो नहीं ए जी मैम अपनी अगली क्लास में आएगी और इसकी शेप बदल जाएगी बहुत 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 गंदे वाला डर लगेगा ठीक है अगर मैं अगले दिन आऊँ इसकी शेप बन गई ट्रैंगल एंड आई एम लाइक ये तूने क्या किया ऐसा मत करो और एक फ़िक्स वॉल्यूम है ठीक है मैं इसको कहीं भी रखूँ इसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं होगी इसकी लेंथ ब्रेड हाइट जो भी है वो भी चेंज नहीं होगी सेम जगह घेरेगा है ना तो सॉलिड की एक फ़िक्स शेप होती है फ़िक्स वॉल्यूम होती है इनकम्प्रेसिबल होते हैं मैं कंप्रेस कर पा रही हूँ इसको बिल्कुल नहीं है ना कुछ एक्सेप्शन है एक्सेप्शन नहीं बोलूंगी उसके पीछे भी रीज़न दूंगी इनकम्प्रेसिबल होते हैं और बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं इसीलिए इनकम्प्रेसिबल होते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली ऐसे जुड़े हुए हैं कोई जगह ही नहीं है नेग्लिजिबल जगह है तो अगर आपको कंप्रेस करोगे भी तो कैसे करोगे कंप्रेस करने के लिए जगह होनी चाहिए इसीलिए इनकम्प्रेसिबल है फिर बहुत सारे बच्चे एक सवाल पूछते हैं मुझसे और वो सवाल क्या है पूछो पूछो वो सवाल भी मैं ही बता दूँ सवाल पूछोगे कि सवाल भी मैं ही बता दूँ क्या था सवाल कि मैम स्पॉन्ज स्पॉन्ज जो है क्या वो सॉलिड है यस और नो चलो यहीं पे आंसर दे दो हॉटस्पॉट ले लेती हूँ ठीक है स्पॉन्ज जो आता है जिससे वो पार्लर वार्लर में जाते हैं कहीं पे देखते भी रहते हैं वैसे मुंह साफ़ करते हैं <laughs> हाँ <laughs> चलो बताओ यस और नो हॉट स्पॉट आ रहा है आपकी स्क्रीन पे जहाँ से आपने वेदांतों का सेशन ज्वाइन किया है आंसर दो टेंथ के बच्चे भी आ गए मतलब इतनी शिद्दत और ये टारगेट को नहीं भूलना है पाँच सौ का टारगेट है हमारे पास ए पाँच सौ पाँच सौ पाँच सौ पाँच सौ टारगेट पूरा करना है सब्जी बाजार नहीं है आ, क्लास को एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए जैसे कि टॉपिक का यू नो टारगेट होता है यहाँ तक पूरा करेंगे वैसे ही यस <laughs> yes? ठीक है और और अच्छा अच्छा बहुत सारे बच्चे नो भी बोल रहे हैं ठीक है मैं जान लेती हूँ येस और नो आप लोगों के रिस्पॉन्स से और देखते हैं एक मिनट एक मिनट हाँ अरे हम्म सबने आंसर दे दिया सिक्सटी सेवन परसेंट बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ मैम स्पॉन्ज एक सॉलिड है लेकिन थर्टी टू परसेंट इज लाइक नै मैम अभी तो बोला आपने इनकम्प्रेसिबल होता है बट स्पॉन्ज को तो ना और मज़ा भी बहुत आता है हम ऐसे भी कर सकते हैं पूरा कंप्रेस हो जाता है राइट तो अब ये कैसे हो सकता है तो स्टूडेंट्स मैं बता दूँ स्पॉन्ज सॉलिड है ओके स्पॉन्ज सॉलिड है तो सॉलिड होके भी इन आई मीन कंप्रेसिबल क्यों है क्योंकि वो रीज़न सॉलिड की वजह से नहीं है स्पॉन्ज कंप्रेसिबल इसलिए है उसका रीज़न अगेन सॉलिड नहीं है उसका रीज़न ये है कि स्पॉन्ज के जो बीच में बहुत सारे होल्स होते हैं जिसमें एयर आ जाती है एयर ट्रैप हो जाती है तो सॉलिड कंप्रेस नहीं हो रहा जब मैं कंप्रेस करने की कोशिश करी हूं, जो एयर घुसी हुई है ना उसके अंदर वो एक्सपेल हो रही है वो निकल रही है तो एयर कंप्रेसिबल है सॉलिड नहीं है ठीक है सॉलिड नहीं है ओके <laughs> okay? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी है सॉलिड रिजिड भी होते हैं रिजिड मतलब जो अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं है है ना रिजिड इज लाइक मेंटेनिंग देयर ओन शेप राइट चलो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आगे बढ़ते लिक्विड की बात करते हैं पानी पानी रे पानी ही नहीं होता लिक्विड लिक्विड बहुत सारे हैं एक ऐसा लिक्विड है जिसकी वजह से हमारे संसार में बहुत परेशानियाँ हैं कौन बताएगा एक ऐसा लिक्विड है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को बहुत फायदा है बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मिलती है बट लोगों की लाइफ में बहुत दुखी होने का कारण है इक्को समझ गए इक्को मेरी क्लास लगाती है हाँ एल्कोहल बड़ी भारी परेशानी है ऑयल स्पिल बड़ी भारी परेशानी है कितने सारे आप लोगों के ये जो एक्वेटिक एनिमल्स प्लांट्स हैं उनके लिए वो सांस नहीं ले पाते बेचारे मर जाते हैं ऑयल स्पिल होने की वजह से है ना <laughs> तो अल्कोहल की बात करूं ऑयल की बात करूं ये भी लिक्विड है मुझे कैसे पता चला ये सब लिक्विड है लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है कोई फिक्स शेप नहीं होती चेंज होती रहती है है ना मैं पानी को मैं इसमें डालूं इसकी शेप हो जाएगी मैं पानी को इसमें डालूं कप में डालूं कप की शेप हो जाएगी पानी को बोल में डालूं पानी को बीकर में डालूं उसी की शेप ले लेता है कोई मुझे बताएगा मैं कमेंट पढ़ रही हूँ हाँ सबका शुरू हो गया मैम शराब <laughs> सबका शुरू हो गया अब ये बताओ ऐसा क्यों होता है मेरा सवाल ये है अनुभा मैम की क्लास में सिर्फ आप पढ़ोगे नहीं आप वाई पे फोकस करोगे ठीक है क्योंकि आप बनोगे मेरे क्यूरियस किड ठीक है सी के आप बनोगे मेरे सी के क्यूरियस किड या सी बी क्यूरियस बच्चा मैं क्यूरियस बच्चा हूँ ठीक है आपको नाम मिलेगा सी बी का क्यूरियस बच्चा <laughs> तो क्यूरियस बच्चा बनना है पूछो वाई फिक्स शेप क्यों नहीं होती शेप क्यों बदलती रहती है ठीक है सी के आफ्टर पी के हाँ पी के तो हो गया आप सी के बनोगे क्यूरियस किड या क्यूरियस बच्चा बहुत बढ़िया रीज़न क्या है स्टूडेंट्स लिक्विड की शेप क्यों नहीं फिक्स होती लिक्विड के बीच में ना ऐसे ऐसे जगह होती है वो एक दूसरे से अटैच तो है उसके सारे पार्टिकल बट बहुत फॉर्मली अटैच नहीं है कि इन पार्टिकल ने एक दूसरे को साथ में तो रखा हुआ है पर ऐसे वो हिलते रहते हैं थोड़ा थोड़ा ठीक है एक बहुत ही फोर्स जो बहुत स्ट्रांग नहीं है उसने उसको ऐसे बांधा हुआ है ठीक है अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो है नहीं ये कभी इधर करता है कभी इधर कभी इधर कभी इधर तो एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से थोड़ा इनमें मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है और अपनी शेप को ये मेंटेन नहीं रख पाते ठीक है वॉल्यूम फिक्स रहती है अब अगर मैं 100 एम पानी लूँ 100 एम मैं किसी भी कंटेनर में डाल दूँ 100 का 200 थोड़ी ना हो जाएगा 100 का 50 भी नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस तुम किसी और जोन में हो और तुमने सौ में से पचास गिरा दिया अब बोल रहे हो ये देखो मैम सौ का पचास करके दिखाया <laughs> ठीक है अब ऐसा भी नहीं करने का है बात समझ में आई वॉल्यूम फिक्स रहती है बट लिक्विड की शेप चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर जिसमें भी डालोगे जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं पानी का मैं ग्लास भर लूं और उसको ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश करूं वो तो स्पिल करने लगेगा ठीक है पार्टिकलर मॉडरेटली पैक्ड देखो ऐसे मॉडरेटली पैक्ड होते हैं राइट और लिक्विड के लिए क्या बोलते हैं लिक्विड्स आर फ्लूड फ्लूइड कौन होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं टू फ्लो ठीक है जिनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है ना ड्रेक यस ऑल राइट गैस की बात करें शाहरुख खान बन के दिखाओ मैम को गैस की बात करते हैं शाहरुख खान बनते हैं आई तो कैंट इवन मूव माई हैंड प्रॉपरली नाउ यस क्यों बन रही हूँ शाहरुख खान मैं अपने हाथ आसानी से मूव कर पा रही हूँ मेरे आसपास एयर है ठीक है एयर जो है उसके पार्टिकल बहुत लूजली पैक्ड होते हैं गैस के जो पार्टिकल है एकदम फ्रीली पैक होते हैं तुम आसानी से हाथ मूव कर सकते हो आसानी से डांस कर सकते हो जो भी भरतनाट्यम कुचिपुड़ी भांगड़ा ठीक है नाइन्थ का सेशन शुरू हो गया ये देखो आर्मी लाइफ दूसरा सेशन चल रहा है हाँ एयर के पार्टिकल बहुत लूजली पैक्ड होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो नेगलीजिबल होती है क्या होती है बच्चा लोग नेग्लेजिबल होती है नेग्लेजिबल ठीक है क्या कर रही हूँ मैं ये <laughs> नेग्लेजिबल उसके बाद हाईली कंप्रेसिबल ठीक है आपने एक बलून में हवा भरी आप उसको कंप्रेस कर सकते हो ना एक पॉइंट तक क्योंकि गैस के पार्टिकल इतने फ्री होते हैं आप उनको कंप्रेस करके पास ला सकते हो हाईली कंप्रेसिबल बट मज़े की बात यह है ना फिक्स शेप ना फिक्स वॉल्यूम अगर आप हवा भरो एक राउंड बलून में एक हार्ट वाले बलून में एक इलागेटेड बलून में ठीक है वो जिसमें भी करोगे उसी की शेप ले लेगा नो फिक्स शेप क्यों नहीं है फिक्स शेप क्योंकि पार्टिकल एकदम अलग अलग जा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं उनको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो एकदम फ्री है वो कहीं भी पहुंच जाएंगे सारे कंटेनर की जगह घेर लेंगे ठीक है तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है आप उसको मान लो एक कंटेनर में डाल रहे हो हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब के एक कंटेनर में डाल रहे हो वन लीटर के तो उसके डेफिनेटली डिफरेंस आएगा वो छोटे वाला कंटेनर हो बड़े वाला कंटेनर सारी की जगह घेर लेगा क्योंकि गैस के पार्टिकल फ्री होते हैं मूव करने के लिए सारी जगह घेर लेते हैं जिस भी कंटेनर में डालोगे तो फिक्स शेप भी नहीं है स्टूडेंट्स फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है ऑल ठीक right? है समझ में आया ये बात सॉलिड एकदम रिजिड है दे मेंटेन देयर शेप लिक्विड रिजिड नहीं है लिक्विड की शेप चेंज होती रहती है सो इज गैस लेकिन अगर मैं फ्लूइड बताऊं मेरे लिक्विड एक मिनट जस्ट अ सेकेंड अगर मैं बात करूं अपने लिक्विड की और मैं अपने गैस की बात करूं दोनों के दोनों फ्लूइड हैं फ्लूइड्स हैं फ्लूइड क्या होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं जो बह सकते हैं ठीक है जो बह सकते हैं है, गैस भी यहाँ से वहाँ जा रही है ना बह के अगर आप घर में खाना बना रहे हो गरम गरम आप दूसरे कमरे में बैठे हो और आपको खुशबू आ जाएगी अह आज तो मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया आज तो मम्मी ने राजमा चावल बनाए आज तो जो भी आपका फेवरेट खाना है तो फ्लूड जो है वो ठीक है कौन है लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं सॉलिड फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम लिक्विड नो फिक्स शेप बट वॉल्यूम फिक्स है गैस नो फिक्स शेप नो फिक्स वॉल्यूम ठीक है ये वाली बात एकदम समझ में आई बहुत बढ़िया <laughs> इधर उधर इधर उधर जैसे आप लोगों का दिमाग इधर उधर रहता है ना एक हाँ गैस के पार्टिकल भी इधर उधर इधर उधर इधर उधर <laughs> ठीक है तो हम सॉलिड लिक्विड गैस को तो समझ गए और दो तीन स्टेट के बारे में जानेंगे बट सबसे पहले मुझे ये बताओ आप लोगों की बॉडी में ह्यूमन बॉडी में सॉलिड लिक्विड गैस के एग्ज़ैम्पल मैं आगे तब पढ़ाऊँगी जब आप बताओगे हमारी ह्यूमन बॉडी में कुछ सॉलिड्स के एग्जाम्पल कुछ लिक्विड्स के एग्जाम्पल और कुछ गैस के एग्जाम्पल एक एक दो दो दो-दो बता दो चलो शुरू हो जाओ हाँ समझ आ गई सब होमवर्क ही दे दूँ पढ़ाई मत करो पढ़ाई कौन करता है अभी तो क्लासेस शुरू हुई है अभी से कंसिस्टेंट होके दो ढाई घंटा पढ़ लोगे ना आगे सबसे चिलैक्स फॉर्म में रहोगे सॉलिड का एग्जाम्पल दे रहे हैं मुझे बोन हो गई हमारी ठीक है हमारी बोन्स हो गई हमारे दांत हो गए स्ट्रांग है कि नहीं है क्या आपके टूथपेस्ट पे नमक है ओके <laughs> टीथ okay, चलो हमारे नेल्स हो गए हाँ लिक्विड्स की बात बताओ ऑर्गन क्या होता है कल्याणी बात ही खत्म ऑर्गन ऑर्गन सर सॉलिड थोड़ी ना होता है बायो वाले हमारे अम्मू सर को बुलाती हूँ वो बताएंगे आपको लिक्विड है हमारे बॉडी में आपको पता है मोस्टली वाटर है किसी ने वाटर बोला नहीं अभी तक एंड आई एम लाइक आई ला वट इज दिस हैपनिंग कोई नहीं वाटर बोला हम्म हमारी बॉडी कितने प्रतिशत पानी से बनी है ब्लड भी प्योर वाटर नहीं है बट ब्लड के अंदर भी बेसिकली वाटर और सब होता है सलाइवा है हमारे बस ठीक है बहुत बढ़िया गैस बता दो ज़रा गैस बता दो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं ऑक्सीजन हम लेते हैं और और गैस की मैं बात करना नहीं चाहती बताओ और भी गैस निकालते हो ना आप लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं कि मैम क्या बात कर दी चलो आगे बढ़ते हैं <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जानते हैं ऑल राइट ओके ओके अगली स्टेट ऑफ मैटर आपके पास आएगी प्लाज्मा और बड़ी ही सुंदर है और मैं ये भी बता दूं लाइफ अर्थ पे एक और रीज़न ये भी है प्लाज्मा की वजह से आप समझोगे कैसे मैम ये क्या बात बोल दी आपने प्लाज्मा की वजह से लाइफ कैसे है ना बताओ बताओ दिव्या समझ गई मीथेन गैस एंटोजिनस गैस प्लाज्मा की वजह से लाइफ कैसे अभी समझाती हूँ अभी आपको समझ में आएगा तो प्लाज्मा कोई नई स्टेट नहीं है वो गैस से बनने वाली स्टेट है दैट इज़ अ स्टेट जो हमें गैस से मिलती है ओके okay, बच्चा लोग और गैस से कैसे मिलती है सन के बहुत बढ़िया श्रेयांशी बहुत बढ़िया गैस या गैसेस के कॉम्बिनेशन से स्टेट बनती है कैसे पढ़ो ज़रा इसको दीज पार्टिकल आर इन फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैसेस कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल मैम बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ये क्या क्या बड़ी बड़ी बातें बोल दी तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास गैस होती है ना मान लो गैस के पार्टिकल है एकदम फ्री होते हैं मूव करने के लिए है ना गैस के पार्टिकल को जब आपने दे दी बहुत हाई एनर्जी कैसे बहुत सौदा टेम्परेचर दे दिया बहुत ज़्यादा हीट कर दिया दो हज़ार हजार डिग्री सेल्सियस तो गैस के पार्टिकल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके टूट जाते हैं आयोन्स के अंदर आयोन्स पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत आयोन्स क्या होते हैं चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ठीक है मान लो कोई भी गैस उठा ली मैंने हाइड्रोजन गैस उठा ली तो वो अपने अंदर से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को निकालने लगेंगे उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज उनके पास बच जाएगा ठीक है तो जैसे आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगा देते हो ठीक है या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी उसको बहुत अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी तो वो गैस आयोन्स में टूट जाएगी चार्ज पार्टिकल में टूट जाएगी और जैसे चार्ज पार्टिकल में टूटी है उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी थी इन फॉर्म में ये इतनी एनर्जी को लेके बोलेंगे क्या करेंगे इधर उधर मूव करने लगेंगे है ना सोचो आपको किसी ने पीछे से किसी गरम आप आप नीचे बैठे हो और एकदम से आपको पता चला कुछ गरम चाय पड़ी थी आप बैठ गए आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या बोलेगा एकदम से उठते हो है ना इन गैस पार्टिकल के साथ भी हवा इतनी एनर्जी मिल गई ये बोलेंगे इतनी एनर्जी का हम आइला क्या करें इधर उधर 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 मूव करना शुरू करेंगे कोलाइड करना टकराना शुरू कर देंगे तो दैट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल कौन से पार्टिकल गैस के आयोनाइज चार्ज पार्टिकल और जब वो टकराते हैं कोलाइड करते हैं कोलाइड करने की वजह से ग्लो आता है यही प्लाज्मा स्टेट है और अगर मैं बेस्ट एग्जांपल बताऊं सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा सन एंड स्टार्स सन क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है सन एक परफेक्ट एग्जांपल है प्लाज्मा का ठीक है ठीक है समझे हाँ तो मैं फिर से बताती हूँ वट इज़ प्लाज्मा प्लाज्मा इज़ अ हाईली एनर्जेटिक स्टेट ऑफ आयोनाइज गैस ठीक है जिसमें गैस को बहुत एनर्जी प्रोवाइड करके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जैसे सन पे हीलियम गैस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी अगर मुझे अर्थ पे घर में आसपास फैक्ट्री में कहीं जनरेट करनी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दो गैस पार्टिकल आयोनाइज हो जाएंगे चार्ज पार्टिकल में बहुत एनर्जी कैरी किए हुए टकराएंगे और ग्लो करेंगे एक और एग्ज़ाम्पल बताऊँ आपने देखा होगा दिल्ली बैंगलोर जहाँ पे भी आप रहते हो ट्रैफिक पुलिस वाले ना एक लाइट लेके घूमते रहते हैं और वो ग्लो करती रहती है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दैट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा वो जो फ्लोरोसेंट स्टिक होती है वो ऑन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास होती है गैस में से आयोनाइज़ हो जाती है और वो ग्लो करती है ठीक है कौन सी गैस भरी जाती है नी गैस भर देते हैं हम उसके अंदर चमकती है ना वो नीओन गैस भर देते हैं और ये प्लाज्मा ये बच्चा लोग हाथ जोड़ते हुए ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है ठीक है ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है वो अलग है <laughs> तो ये बात क्लियर फ्लोरोसेंट ट्यूब का एग्जाम्पल दिया मैंने नियन साइन बल्ब साइन बल्ब देखे ना उन पर लाइट पड़ती है वो चमकते हैं लाइट एब्जॉर्ब करेगी आयोनाइज होके चमकेंगे ठीक है फिलामेंट बल्ब हाँ उसके अंदर आर्गन गैस होती है अक्षरा बहुत बढ़िया वो दस बीस रुपए वाले येलो लाइट वाले बल्ब आते हैं ना उसमें क्या होता है उसमें भी आर्गन गैस भरी होती है गैस के भरने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करो गैस आयोनाइज हो जाएगी टंगस्टन का जो फिलामेंट है वो ग्लो करने में उसकी हेल्प भी करता है क्रिस्टल क्लियर ये कौन सा प्लाज्मा ये केमिस्ट्री वाला प्लाज्मा है ठीक है केमिस्ट्री वाला प्लाज्मा है मैथ्स वाला आई I मीन mean, बायो वाला प्लाज्मा इज जो ब्लड के अंदर होता है दैट्स अ लिक्विड चलो ओके तो प्लाज्मा के बारे में समझ के अगर मैंने आपको डे टू डे लाइफ के एग्ज़ाम्पल दे दिए नियॉन साइन बल्ब हो गए फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गई मैंने अर्थ पे आई I मीन mean, यूनिवर्स के एग्ज़ाम्पल दे दिए जैसे सन हो गया हीलियम गैस का गोला है और बहुत ज़्यादा एनर्जी की वजह से वो आयोनाइज हो गई गैस और वो ग्लो कर रहा है सॉरी ग्लो कर रहा है ठीक है अच्छा कोई बात नहीं को देख लेना बाद में लास्ट स्टेट ऑफ मैटर लास्ट नहीं बोलूँगी और भी होती है वैसे बट आपके सिलेबस में इतना ही है नेक्स्ट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सो जो कितना अमेजिंग नाम है और कितना प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि इस स्टेट ऑफ मैटर को बताने के लिए एक इंडियन साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस 1920 में पहले उन इतनी वैल्यू दी नहीं किसी ने ठीक है उन्होंने बोला कि भैया एक और स्टेट ऑफ मैटर हो सकती है चलो हम बना सकते हैं बना के दिखाते हैं तो 1920 में बनाया गया और आपको पता है उस टाइम पे स्टैम्प्स चलती थी लेटर्स पास किए जाते थे एक दूसरे को तो वो जो स्टैम्प्स होती थी ना बहुत सारे लोगों को कलेक्शन करने का शौक भी होता है तो सत्येंद्र नाथ बोस सर जो थे वो इंडियन स्टैम्प पे भी थे इजेंट इट सच एन अमेजिंग थिंग है ना कि आप मतलब इन अभी इम्बोटेंट हो गए हो कि इवन इफ़ यू डाय योर नेम विल स्टिल बी देयर समवेयर है ना तो कुछ नाम करो बड़ा नाम करो और ये मत बोलना कि बदनाम हुए तो क्या नाम तो हुआ नहीं अच्छा काम करो और अच्छे टर्म में यू नो जी योर सेल्फ समवेयर प्राउड मोमेंट येस विच सब्जेक्ट इज दिस ब्रिजेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने बोला उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके बताया कि ना गैस से ही गैस से ही हम एक और स्टेट ऑफ मैटर बना सकते हैं तो आइंस्टाइन जी ने रिकगनाइज़ किया आइंस्टाइन ने बोला चलो बात तो सही कह रहे हो आपकी कैलकुलेशन पे मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ मैं बना सकता हूँ वो स्टेट ऑफ मैटर तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट गैस से बनी हुई एक स्टेट है जो इन दोनों के एफर्ट से बाद में बनाई गई ठीक है इन दोनों ने किया बाद में और अलग अलग साइंटिस्ट थे और तीन साइंटिस्ट थे जो जुड़े और उन्होंने ये स्टेट बना के दिखाई आपको और जैसे मैंने बताया ये भी गैस से बनती है कंडेंसेट का मतलब गैस को कंडेंस किया जाता है गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है तो गैस को लिया एक्सट्रीमली लो डेंसिटी जो बहुत ही हल्की थी हीलियम गैस बहुत हल्की होती है उसको और हल्का बनाया गया कैसे उसकी डेंसिटी को और कम किया गया वन हंड्रेड थाउजेंड ऑफ़ डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर ये नॉर्मल एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में हमें दिखाई नहीं देती इसने हमारे एटमॉस्फेयर को बनाया हुआ है हमें प्रोटेक्ट भी कर रही है इससे वन हंड्रेड थाउजेंड टाइम हल्की तो लैब में गैस को लिया गया बहुत हल्का किया गया और उसको सुपर लो टेम्परेचर बहुत ही कम टेम्परेचर दिया गया सुपर लो का मतलब माइनस ऑफ यू नो टू सेवेंटी थ्री बहुत 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 कम तो जब गैस को आप टेम्परेचर कम कर देते हो मैंने क्लास में पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है गैस से टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब जब आप टेम temp, टेम्परेचर जो है आई मीन चेंज करोगे काइनेटिक एनर्जी सब्सटेंस की चेंज हो जाती है तो जब ठंडा होगा टेम्परेचर गिरेगा काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल की मूवमेंट भी कम होता चला जाता है गैस पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और क्लोज उल्टा हो गया ये स्टेट एकदम ऑपोजिट है प्लाज्मा की ये स्टेट एकदम ऑपोजिट है प्लाज्मा की प्लाज्मा में क्या हुआ था दूर दूर एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से वहाँ जा रहे थे टकरा रहे थे इसमें उल्टा हो रहा है टेम्परेचर मैं कम कर रही हूँ सारे पार्टिकल पास पास आ रहे हैं कंडेंस हो रहे हैं कंडेंस हो रहे हैं और एक स्टेट ऐसी आएगी एक दूसरे के एकदम क्लोज आ गए पार्टिकल ठीक है एकदम सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में और उस फॉर्म को सुपर फ्लूइड बोला जाता है और वो मेरी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट लास्ट स्टेट फो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ठीक है सब्लिमेशन की नहीं बात कर रहे हैं हम संगीता मैम का ध्यान इधर है ना मैम पढ़ा रही है पढ़ाई पे फोकस करो ठीक है तो एक एग्जांपल हो गया सुपर कंडक्टर सुपर फ्लूड्स ये सब बोस साइंसटाइन कंडेंसेट है मैं कहना क्या चाह रही हूँ गैस को बहुत कम डेंसिटी वाले को एकदम कम टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो गैस के पार्टिकल एकदम क्लोज आ जाएंगे सॉलिड से भी क्लोज इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से भी ज़्यादा है मोर देन सॉलिड ठीक है एक इतने एक दूसरे के क्लोज हैं और इनमें फ्रिक्शन एकदम ख़त्म हो जाता है तो आप इसको किसी कंटेनर में भी डालोगे ना ऐसे फ्लूइड को वो कंटेनर से भी सीप करने लगेगा देखो इस कंटेनर से में भी निकलने लगता है सुपर कंडक्टर कौन होते हैं जिनमें से हंड्रेड परसेंट करेंट पास कराऊँ हंड्रेड परसेंट पास हो जाए कोई रेजिस्टेंस ना हो रेजिस्टेंस ज़रूरी है सुपर कंडक्टर एक तरीके का मिथ भी बोल सकते हो ऐसा हंड्रेड परसेंट होता नहीं है बट सुपर कंडक्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बी ई सी जो पूरा का पूरा करंट अपने में से पास कर दे या फिर ऐसे लिक्विड जो मैंने बताया हीलियम गैस से भी बनाया जा सकता है एक बार फ्लो करना शुरू करेंगे करते ही रहेंगे वो सुपर फ्लोइड होते हैं एक बार फ्लो करना शुरू करेंगे फ्लो करते ही रहेंगे ठीक है एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ अगर वो बहुत डरावना भी हो जाता है उस लिक्विड को डालोगे वो फ्लो करते ही रहते हैं रेजिस्टेंस है नहीं वो कंटेनर से भी सीप करने लगेंगे तो डरावनी वाली स्टेज है ये तो हमारी <laughs> थोड़ी डरावनी वाली स्टेज भी है ठीक है तो ये समझ में आया बी सी क्या होता है एक बार हाँ थम्स अप दे दो फिर हम शुरू करते हैं एवरी वन अगला क्विज सेशन मैं एक बार आपको समराइज़ करके बता देती हूँ हमने क्या क्या किया जल्दी से चैप्टर टू कब शुरू करोगे एक हुआ नहीं दूसरे पे पहुंच गए और 170 लाइक तो बहुत कम है अब तो मैम ने एक्सपेक्टेशन भी कम कर दी है चलो यहाँ तक तो पहुंचा देते हैं क्या बोलते हो बहुत ही इंसाफी है ठीक <laughs> है तो हमने रिसेंटली अभी सॉलिड लिक्विड गैस फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा प्लाज्मा बी जो एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है अगर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे लगाना है कि इन स्टेट ऑफ मैटर में किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसकी कम तो बी ई सी बोसाइनस्टाइन कंड में पार्टिकल इतने क्लोज होते सबसे ज़्यादा क्लोज सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर सॉलिड होगा ठीक है उससे थोड़ा कम फिर लिक्विड के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में सबसे कम नहीं सबसे कम है आपके प्लाज्मा में क्योंकि गैस को भी आयोनाइज़ कर दिया पार्टिकल एकदम फ्री है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे सबसे ज्यादा बीईसी सबसे कम प्लाज्मा ठीक दू, है और दूसरा कोई पूछ सकता है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल अब बता दो उल्टा कर दो इसका डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स उल्टा कर दो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगी सबसे ज्यादा फ्री पार्टिकल फिर गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड सबसे कम किस में बीई में ठीक है एकदम बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़े बहुत ज्यादा नॉलेज दे दिया अभी क्विज आने वाली है क्विज टाइम इज लाइक नाउ अ समराइज वाला टाइम समराइज करने का ठीक है ठीक है तो क्वेश्चन आया आपके सामने शुरू करें क्विज अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां वेदांतो नाइन टेंथ लिखा है वहीं देखो शो मोर भी करके देख सकते हो एक लिंक दिया हुआ है क्लिक हेयर टू ज्वाइन द सेशन और आज का सेशन ज्वाइन करना है कंडेंसेट करेंगे लिक्विड तो फिर वो सुपर फ्लूइड बोलेंगे हाँ जी सुपर फ्लूइड बोलेंगे अगर सुपर लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो ठीक है पर ये क्विज शुरू करने से पहले दर इज सम इन्फॉर्मेशन दैट आई रियली वांट टू गिव यू कि आप नाइन्थ क्लास में हैं वेदांतु एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ आपके लिए लेके आया है इस स्क्रीन पे देखो ये आज की मैम की वीडियो मैटर इन आर सराउंडिंग और अगर आप यहाँ नीचे देखते हैं तो वी प्रोमिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के आप हमारे साथ पूरे नाइन्थ क्लास की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद ए आई लाइव कोर्सेज इन अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस वेदांतों ने सोचा इसको नए तरीके से किया जाए ए आई इज़ ऑगमेंटेड इंटर एक्टिव लाइव सेशन जिसमें हम सब ये वीडियोज़ एक दो दिन पहले रिकॉर्ड करते हैं पूरा चेक थ्रू होता है कि सब चीज़ें सही है लेकिन सारे फीचर्स आपको लाइव मिलते हैं और आप ए जी मैम और आपके बाकी सारे टीचर्स की सारी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो पूरे पूरे साल का प्राइजेस फोर्टी फाइव हंड्रेड सोचो यानी कि बारह महीने का प्राइज़ फोर्टी फाइव हंड्रेड है एक महीने का प्राइजेस थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज़ एज लो एज थ्री सेवेंटी फाइव आप एक टी शर्ट भी ख़रीदते हैं तो दैट विल बी यू नो कॉस्टिंग मोर देन दैट है ना दो बार बहान, एक बार बाहर खाना खा लो एक पिज्ज़ा मंगा लो दैट माइट बी यू नो मोर देन दैट थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज़ पर मंथ उसमें आपको सारे अपने फेवरेट मास्टर टीचर्स की ऑगमेंटेड इंटर एक्टिव जिसमें टीचर शायद लाइव ना हो बट दे मेक श्योर आपका एक्सपीरियंस हैम्पर ना हो इसको इसको यू you नो know, इतना डिडक्ट करके बनाया गया है इस में लेकिन किसी भी आपके एक्सपीरियंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जैसे आज आपने लाइव क्विज़ अटेंड किया है हर एक सेशन में हर एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद टीचर लाइव क्विज लेगा आप लोगों को अपना नाम लीडर बोर्ड में दिखाई देगा आप लोगों के लाइव डाउट सॉल्व भी होंगे क्योंकि क्लास टीचर्स प्रेजेंट होते हैं एकदम लाइव ठीक है उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बहुत सारी प्रैक्टिस करके वहाँ पर पहुँचे बहुत सारे टेस्ट देके वो आपके डाउट को केटर करेंगे हर पंद्रह बीस दिन में आपके टेस्ट होते रहेंगे जितना पढ़ा दिया आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी सल्यूशन भी शेयर किए जाएंगे ठीक है तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी पूरा स्कूल का कोर्स सी का नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री पर सारा सब्जेक्ट भी मैथ्स हो गया फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश सोशल स्टडी सारा का सारा लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा हिंग्लिश वाले बैच भी हैं वो आपको एक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिल रहा है आप कनेक्ट करके अपने कोर्स को इंग्लिश और हिंग्लिश में से भी चूज़ कर सकते हैं और ये बैच कल से ही शुरू हो गया है आज ए जी मैम की पहली क्लास है तो आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं वाई ए आई लाइव आपको समझ में आ गया होगा बहुत इंटरेक्टिव क्लासेज़ होती हैं ठीक है और आप ये यहाँ से सेलेक्ट एंड बाय कोर्स करना है और आपको ये सेम कोर्स आपको मिल जाएगा ए जी प्रो के साथ करके ठीक है जस्ट लाइक थ्री सेवेंटी फाइव पर मंथ अगेन आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लाइव प्रो लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं उसका डेफिनेटली उस पर उसको भी आप खरीद सकते हैं ठीक है उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है बट माई कॉलिंग इज़ जब इतना सस्ता कोर्स मिल रहा है उसको क्यों छोड़ना है है ना तो ए आई लाइव कोर्स पे आ जाओ इसको ले लो यहाँ से बाय नाउ करना है फोर्टी फाइव हंड्रेड फॉर द इंटायर ईयर बारह महीने का प्राइस है जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते अगेन थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज़ पर मंथ तो ए जी मैम अमृतसर जितने सारे आपके टीचर्स हैं सारे टीचर्स के क्लास आप लगा सकते हो तो प्लीज़ प्लान अकॉर्डिंगली आप किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से पे भी कर सकते हो ठीक है हाँ जी बहुत बढ़िया तो समझ में आया कितने बच्चों को मैं अपनी क्लास में देखना आ, सारे बच्चों को देखना चाहूँगी तो डेफिनेटली टाइमली प्लान कर लो इसको ठीक है हाँ जी बिल्कुल क्विज स्टार्ट करें बिल्कुल क्विज पे आ गए हम अब हम क्विज भी शुरू करेंगे बहुत अच्छे ऑसम समी बात नाउ द क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू क्वेश्चन शुरू करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिक्विड्स लिक्विड्स की प्रॉपर्टी बतानी है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम एंड शेप नॉट फिक्स्ड, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम नॉट है? मुझे 85 परसेंट से अबव दो वेदांतों का स्पेशल ड्रम रोल फॉर यू देखें चलो थ्री टू वन गो The first time attending your live class, the way you recommend me to appreciate it. Thank you, Aditya. Means a lot. And, and, Bhoomi. 10 out of 10, may one mistake. Koi baat ni happens. But that's a good response. Kanika, Kamal, Shruti, Pushpa, Dora, Maroshna Saloni and Sarthak. Very good job. 80 se above, aya. yay. Some of you got confused with A and C. डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम अरे लिक्विड का शेप कब से डेफिनेट होने लगा आप पी कैसे पाओगे सोचो अगर वो सॉलिड होगा तो खाओगे फिर तो आप पानी को खाओगे सोचो ई चलो आई आई गिव यू दिस स्पेशल रिवॉर्ड वेदांतों का ड्रम रोल सो आंसर डेफिनेटली इज वॉट स्टूडेंट्स ओके आंसर डेफिनेटली इज डेफिनेट वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज नहीं होती शेप बदलती रहती है लिक्विड की ऑल राइट right, अगला क्वेश्चन देखो विच स्टेट हैज़ लीस्ट स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल कौन सी ऐसी फिजिकल स्टेट है जिनके बीच में जो पार्टिकल है उनके बीच में सबसे कम स्पेस है गैस लिक्विड सॉलिड यू कैन से दैट लास्ट क्वेश्चन है आज का ये कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे कम स्पेस है एंड टाइम स्टार्ट इन थ्री टू वन को एटम्स एंड पेंट आर लिस्ट ग्रीन फास्टर्स फिंगर्स लिस्ट ग्रीन कम ऑन जल्दी से आप लोगों का रिस्पॉन्स हो जाए स्पेस सिद्धार्थ ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को लीस्ट स्पेस सबसे कम जगह थैंक यू निकी एंड नमन एंडोरा मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग अनुष्का चिन्मय सात्विका कनिका पुष्का मिश्र पुष्पा मिष्टी सिद्धांत एंड कमल वेरी फास्ट रिस्पॉन्स हा दिस इज माई एक्सप्रेशन राइट नाउ हा एक ऐसे गैस में सबसे कम स्पेस गैस बी लाइक प्लीज गैस इज लाइक हम सबसे फ्री है हमारे साथ ऐसे मत करो ठीक है सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है ठीक है सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है क्विज कहाँ से प्ले करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपने ओवर कर लिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करने का लिंक है आप रीप्ले के टाइम पे भी क्विज लाइव प्ले कर सकते हैं विच इज ग्रेट राइट तो आप सोचो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी डाउट है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं मिल रही आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए असाइनमेंट भी लग रहा है कि मैम शुरू से ही सीरियस हो जाते हैं और अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से पढ़ेंगे इंग्लिश वाले बैच इंग्लिश वाले बैच जो भी आपकी प्रायोरिटी है वेदांतों उसको पूरा करेगा और आप ए आई लाइव क्ला, क्लासेस के थ्रू एज लो एज थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज़ पर मंथ सारा का सारा अपना साइंस uh, सारा मैथ सारा इंग्लिश सारा एस एस सब प्रिपेयर कर सकते हैं और एजी मैम की क्लास पे लगा सकते हैं अभिषेक सारे टीचर्स की क्लास लगा सकते हैं तो आज का होमवर्क आप लोगों के सामने ये था ये तो लास्ट क्लास का होमवर्क था नहीं द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज ये लास्ट क्लास का होमवर्क था सम यू आर आस्किंग अभी ली रिपोर्ट भी दिखाऊंगी इसका रीज़न क्या था ये होमवर्क दिया था ना मैंने इसका आंसर क्या दोगे क्या था क्योंकि हॉट सीजनिंग फूड की उसमें क्या होता है पार्ट बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर दोज पार्टिकल हैव हाई काइनेटिक एनर्जी और वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं और ज़्यादा मूव करके हम तक पहुंच रहे हैं और हम तक पहुंच के आ, हम उस फूड को पहचान पाएंगे ठंडा खाना होगा टेम्परेचर कम काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कम हम तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम बता नहीं पाएंगे उनका डिफ्यूज़न कम होगा हाई टेम्परेचर हाई डिफ्यूजन हाई इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल और हम तक आसानी से पहुंच पाएंगे ठीक है बहुत बढ़िया तो टुडे नहीं ये लास्ट क्लास का होमवर्क आप बोल रहे थे ना डिस्कस करने को तो ये प्लीज़ डिस्कस कर लेना आई मीन प्लीज हमने डिस्कस कर लिया है अगली क्लास में हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर के बारे में भी पढ़ेंगे हाउ डज़ अ मैटर चेंज इट स्टेट तो आपके लिए क्वेश्चन है लाइक अ होमवर्क आपको मुझे बताना है अगर कोई मेरा लिक्विड मुझे गैस में कन्वर्ट करना है इस प्रोसेस का नाम क्या है दिस इज योर होमवर्क लिक्विड को गैस में चेंज करना है इस प्रोसेस का नाम क्या है ठीक है होमवर्क सुपरस्टार्स जल्दी से नहीं सत्यम चिराग बहुत सारे बच्चे गलत गलत क्वेश्चन दे रहे हैं आंसर तो आज का सेशन का लीडरबोर्ड देखे थ्री फिफ्टी लाइक नहीं हुआ वन एट्टी एटी हुआ बहुत दुखी हूं मैं आज तो एक साथ करते हैं यही वाला इतना क्यूट तो नहीं बट हाँ लाइक करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है पढ़ाई करनी है वेदांतों के साथ कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा जो होमवर्क दिया है उसका आंसर भी देना नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो सारी वीडियो इंपॉर्टेंट होगी सारे गलत आंसर दे रहे हैं लिक्विड टू गैस बॉइलिंग नहीं लिक्विड टू गैस कंडेंसेशन वेपराइजेशन पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हैं फॉलो मी ऑन अनुभा, अनुभा अंडरस्कोर एजिंग अंडरस्कोर तो बस आज के लिए इतना ही हैश टैग याद रखना तो जो भी आपको आज की क्लासेस में मैंने आप बता आपको बताया ए जी प्रो लगा के ही आपको वो डिस्काउंट मिलेगा ठीक है तो याद रखना हैश टैग ए प्रो अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी ही इसी वीक में आने वाली आपकी नेक्स्ट क्लास जोरों शोरों से सिलेबस पढ़ा रहे हैं अनुभा मैम को याद करना मिलेंगे तब तक के लिए बाय टेक केयर सी यू माई एटम्स बाय